गाइज, हाउ यू ऑल? होप यू आर डूइंग गुड. और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं. बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगी, अभी अभी हम लोग आए हैं वापस. इट हैज़ बीन 3 to 4 days. तो अभी तो भयंकर जेट लैग चल ही रहा है. आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बट मन बहुत ख़राब है. बिकॉज़ आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया से आने के बाद थोड़ा सा तो मन ख़राब लगता ही है पेरेंट्स के लिए. एंड जो भी अच्छे मेमोरीज़ हैं, मैं खाली बैठ के, जब भी मैं फ्री टाइम हो रही हूँ, बैठ के मैं याद कर रही हूँ. बट सही बोलूँ तो वहाँ से आने के बाद मुझे लगा मैं एक फैमिली को छोड़ के दूसरे फैमिली के पास आई हूँ. यहाँ पे जो भी फ्रेंड्स होता है वही आपकी फैमिली होती है. तो यहाँ पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो लोग बहुत हेल्प किए, बहुत अपनापन दिखाए. मतलब राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट टिल माई हाउस सब, मतलब कोई लंच देना, कोई डिनर देना, कोई एयरपोर्ट में लेने जाना, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ सही में. एंड सो एनी वेज, वी आर बैक होम. और आने के बाद सब कुछ मुझे इंटैक्ट लगा. घर भी एकदम ठीक है, एकदम साफ है. तो एनी वेज, आने के बाद तुरंत बात ही फ्रेंड्स लोगों के साथ प्लान भी बन गया. इस वीकेंड हम लोग थोड़ा सा घूमने भी जाने वाले हैं, बिकॉज स्कूल स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट वीक से. सो बिफोर स्कूल स्टार्ट सब कोई थोड़ा सा वो रिलैक्स करना चाहते हैं. एंड मेरे फ्रेंड्स भी वेट ही कर रहे थे कि हम लोग वापस आ जाए तो साथ में जाएंगे घूमने. तो इसके चलते हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं एक जाएंगे घूमने के लिए. एंड सो आई विल गिव यू ऑल द अपडेट्स एंड माय अपकमिंग ब्लॉग. और देखते रहिए, साथ रहिए एंड स्टे ट्यून्ड. तो फ्रेंड्स, इस बार ना मैं इंडिया गई थी तो देखिए ये नेट वाला कर्टेंस मैं लाई हूँ. मेरे घर में ही पड़ा हुआ था, कोई यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कर्टेंस बदला जाए. एंड देखिए, मैंने आके घर का नक्शा भी थोड़ा सा चेंज किया, ट्रेडमिल मेरा बाहर आ गया. तो फ्रेंड्स, आने के बाद मंदिर जाना नहीं हुआ है, तो शाम को हम लोग निकले हैं. अभी राधा कृष्ण टेम्पल आए हैं. देखिए, ये एक प्रॉपर टेम्पल स्ट्रक्चर है. हालांकि यहाँ पे टेम्पल स्ट्रक्चर कम ही दिखने को मिलता है. नॉर्मली घर जैसा होता है जिसके अंदर मतलब भगवान जी, मतलब मंदिर होता है. तो ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है मंदिर का, देखिए. और भी रेनोवेट भी हो रहा है. तो अभी हम लोग आए हैं अंदर और अच्छा लग रहा है. मतलब बहुत दिनों के बाद ही मैं आई हूँ आफ्टर इंडिया. इंडिया जाने से काफ़ी पहले मैं आई थी. तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है. उधर थोड़े दूर में ना कंस्ट्रक्शंस भी हो रहे हैं. इसके बाद हम लोग को जाना है थोड़ा वॉलमार्ट, थोड़ा घर का, मतलब एक्चुअली मेरे बेटे का थोड़ा शॉर्ट्स लेना है. हालांकि हम लोग इंडिया से मार्केटिंग करके लाए हैं, बट फिर भी उसको थोड़ा सा अभी चाहिए ये. एंड ये देखिए, टेम्पल के अंदर है मार्केट. तो अभी हम लोग आ गए हैं वॉलमार्ट. और ये वीकेंड हम लोग जा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से, कि फ्रेंड्स के साथ प्लान हुआ है ब्रोकन बो लेक जाने का. यहाँ से ढाई पौने तीन घंटे का ड्राइव है. तो थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगा और थोड़ा सा पिकनिक सॉर्ट ऑफ हो जाएगा. एंड हम लोग सामान ले लिए. मेरे जो कर्टन्स मैंने लिए थे उसका रॉड्स मैंने ख़रीदा था. एंड अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस. तो इसके बाद वापस जा रहे हैं. इसके बाद हम लोग ले लिए रेड हॉट चिली पेपर से खाना, बिकॉज़ आज शाम को थोड़ा चिल करने का मन है. हमारे सामने जो ये पार्क बना हुआ है, एक्चुअली इंडिया जाने से पहले ना इसका कंस्ट्रक्शन लास्ट में था. तो मैं आई और देखी कि ये पूरा बन गया है एंड बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है. तो यहाँ पे हम लोग अभी डिनर एंजॉय कर रहे हैं. देखिए, सब अपना मतलब फेवरेट डिश लेके हम लोग बैठ गए हैं. तो अगले दिन फिर नेक्स्ट डे मैं अभी आई हूँ किचन में और मैं लग गई हूँ खाना बनाने. आज है फ्राइडे और कल है सैटरडे. सैटरडे हम लोग जा रहे हैं ब्रोकन बो. तो थोड़ा बहुत हम लोग खाना बना के लेके जा रहे हैं. एक ही दिन का टूर है हालांकि, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद इंडियन खाना तो तुरंत हम लोग कहाँ खोजेंगे, इसलिए हम लोग सोचे कि थोड़ा सा खाना भी बना के लेके जा रहे हैं. एंड ये मैं एक गोभी का नॉर्मल सा सब्जी बना रही हूँ. इसका रेसिपी मैंने अलग से शेयर नहीं किया है बिकॉज़ ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता. तो मैं बनाऊँगी ये गोभी का सब्जी. और
उसके साथ मैं बनाने वाली हूँ पूरी। हालांकि हम लोग तीन फ्रेंड्स जा रहे हैं, हम लोग तीनों बना लेंगे थोड़ा थोड़ा करके पूरी और रोटी। तो ये मैं बना रही हूँ अभी गोभी की सब्ज़ी, ये सूखा सूखा बनेगा टू कैरी इजीली। और इधर मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए बटर चिकन। तो चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है और उधर मैं फ्राई करने भी बिठा दूँ कि इधर गोभी की सब्ज़ी मेरे ऑलरेडी हो गया है। तो मैं चिकन अभी फ्राई कर ले रही हूँ एंड इसके बाद मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी बटर चिकन। बटर चिकन मैं बना रही हूँ सेकेंड टाइम। तो ये चिकन बहुत ही मतलब ईजी मैरिनेट है इसका। इसको मैरिनेट किया जाता है लेमन जूस, पेपर और सॉल्ट से, और कुछ खास दिया नहीं जाता है। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है तो इसमें ना ये डाइस करके कट किया है मैंने प्याज को। और बटर चिकन क्योंकि है बहुत सारा बटर चाहिए, तो बटर में भी तेल मैंने दिया है और बटर भी खूब सारा डाल दिया है। इसको ना हल्का से सॉटे कर लेना है काजू बादाम दे के। टमाटर दे दिया मैंने और अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने दे दिया। तो थोड़ा सा सॉटे करके फिर इसका बनेगा पेस्ट। तो हल्का सा मैंने पानी दे दिया, सॉल्ट दे दिया और हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इधर है गरम मसाला पाउडर। तो इसको मैं अच्छा से बॉयल कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ना तो इसको ग्राइंड करने में इजी होगा और ग्रेवी जो फाइनल ग्रेवी बनेगा ना वो टेस्टी होगा। तो ये मैंने ले लिया है ग्राइंडिंग जार और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसको मतलब पेस्ट बनाऊँगी। थोड़ा सा कूल डाउन होने देना है और अभी क्या करना है, इसको एक सीव के अंदर से आपको मतलब छन लेना है। तो जो भी मतलब जो थोड़ा बहुत पार्टिकल्स रहता है वो निकल आएगा और एक स्मूथ सा ग्रेवी बनेगा, क्योंकि बटर चिकन है तो बटरी सा ग्रेवी बनेगा। तो इसको देखिए मैं अभी सीव थ्रू कर रही हूँ और लास्ट में एकदम थोड़ा सा ये देखिए रेसिड्यू बचा हुआ है। तो अभी मेरा अभी गैस ऑन बिल्कुल भी नहीं करना है, देखिए मेरा गैस ऑफ है। अभी मैं हल्का से मीडियम फ्लेम में इसको मैंने ऑन किया है और इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा नमक और टेस्ट करके डाल दिया और फिर से मैं लास्ट में एक बटर का चंक डाल दिया। और अभी मैं ग्रेवी को अच्छा से पका रही हूँ एंड इसके बाद जो ये है कसूरी मेथी मैंने डाल दिया फ्लेवर के लिए। इसके बाद कुछ और ख़ास स्टेप है नहीं। इसके बाद थोड़ा सा बॉयल आने पे आपको फ्राइड किया हुआ जो चिकन मैंने रखा था वो मैं डाल रही हूँ। इसको अच्छा से थोड़ा सा ग्रेवी के साथ इसको मिक्स होने देना है और बन गया मेरा बटर चिकन। एंड नेक्स्ट मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए पोहा का एक बोलते हैं बंगाली में हम लोग चिरेर पुलाव, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं बनाती हूँ एग से, बहुत लोग नहीं एग देते हैं बट मुझे एग के साथ खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको बोलते हैं चिरेर पुलाव। तो अभी इसमें आप जो भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, मतलब गाजर हो गया, बीन्स, मटर, जो भी अवेलेबल सब्ज़ी है ये सब, फूल गोभी भी आप ऐड कर सकते हो, कॉलीफ्लावर। तो ये देखिए जो मेरे पास अवेलेबल सब्ज़ी थे मैंने डाल दिया। थोड़ा सा तेल में मैंने घी भी डाला था, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। कुछ खास मसाला इसमें देना नहीं पड़ता है। इसमें मैंने जो पेपर पाउडर है वो डाल दिया और अंडा मैंने फ्राई करके रखा था वो डाल दिया। फिर सारा वेजिटेबल सॉफ्ट होने के बाद ये जो पोहा है, पोहा मैंने धो के रखा हुआ था, तो धोने से पोहा ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाता है। इसको खाली मिक्सअप कर देना है और सॉल्ट और थोड़ा सा शुगर, आपको आप चाहे तो शुगर दे सकते हैं। इसको देना है अच्छा से मिक्स। और ये गरम तो हालांकि बहुत अच्छा लगता है बट हम लोग कैरी करने वाले हैं। तो ये बन गया मेरा सब कुछ, मेरे जो मेरे हिस्से में था खाना वो मेरा बन गया है। और भी मेरे जो फ्रेंड्स आने वाले हैं वो भी कुछ कुछ ले रहे हैं। एंड ये है एक कैरी बैग जो कि हम लोगों को कार के साथ मिला था, जिसमें आप कोई भी टूर में कैरी कर सकते हो खाना, मतलब जो एसेंशियल्स है वो आप कैरी कर सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू ऑल। तो आज हो गया सुबह का, अभी 6:30 हो रहा है। तो बाहर का आप देख सकते हैं सीन। तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं एंड बहुत दिनों बाद इतना जल्दी उठे हैं गाइस। तो नींद तो खुल ही नहीं रहा था बट एनीवेज घूमने जाने का वो जो एक्साइटमेंट होता है उससे नींद खुल गई फाइनली। तो अभी
धीरे धीरे हम लोग रेडी हो रहे हैं एंड निकलने का टारगेट है 7 बजे तक, तो देखते हैं कितना जल्दी होता है। एंड चलिए ट्रिप पूरा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, एंड सो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पूरा रेडी है एंड ये भी पूरा पैक्ड है। तो गाइज अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और फ्रेंड्स अभी आने वाले हैं और फाइनल पैकिंग हो जाएगा और उसके बाद निकलेंगे हम लोग ट्रिप के लिए। तो आ गई मेरी फ्रेंड, ये देखिए बहुत ही एक्साइटेड है सब, और बहुत दिन बाद हम लोग टूर में जा रहे हैं एंड शी इज़ सुपर एक्साइटेड। वो अपना नेल्स की है तो वो लोग भी अपना खाना इसी बॉक्स में ले रहे हैं। एंड यहाँ पे ये देखिए ये जो बॉक्स है यहाँ पे एक आइस बॉक्स भी है। यहाँ पे जो मतलब लेटर में हम लोग खाने वाले हैं वो इस चेंबर में हम लोग लेने का सोच रहे हैं। तो ये आइस बैग हम लोग लेके आए थे वॉलमार्ट से एंड ये जो भैया है ये बनाए हैं। तो मटन और यहाँ पे डाला जा रहा है और मेरा बटर चिकन का डब्बा भी डाला जा रहा है, ये है राइस का डब्बा। तो ये सब हम लोग रात में खाने वाले हैं तो इसमें हम लोग आइस पैक लगा रहे हैं। और ये आ गई मेरी दूसरी फ्रेंड, आप लोग सब शायद इसको जानते ही हैं एंड दीपा को भी जानते हैं। तो हम लोग निकले हैं अभी और क्योंकि बहुत दिन बाद हम लोग टूर कर रहे हैं एंड हम लोग इसलिए बहुत एक्साइटेड है और मॉर्निंग का टूर अलग ही रहता है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएंगे। यहाँ पे वॉशरूम्स भी अवेलेबल है एंड स्टारबक्स भी है तो थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह भी पी लिया जाएगा। तो ये मैं लाई थी चिरर पुलाव और ये मेरी फ्रेंड लाई थी सैंडविच बना के। तो मेरे हस्बैंड कर रहे सर्व और यहाँ पे आए हैं हम लोग कॉफ़ी पीने, तो इसके बाद फिर निकलेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग फ्रेश हो गए और सुबह का ब्रेकफास्ट भी कर लिए ऐसा आप लोग देखें, और वॉशरूम वगैरह ये सब हो गया। फिर अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स वी आर ऑलमोस्ट हियर और हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं लॉज दिस टाइम। तो हम लोग रुकने वाले हैं होचा टाउन लॉज, ये है लॉज का इंटीरियर। तो ये है होचा टाउन लॉज, देखिए ये है कंट्री लॉज। तो हम लोग पहली बार आए हैं लॉज एक्सपीरियंस करने और ये देखिए कॉटेज जैसा लग रहा है देखने के लिए बाहर से। तो हम लोग क्योंकि थोड़ा सा अर्ली पहुँच गए हैं और वो लोग अभी रूम क्लीन कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर रहे हैं एंड हम लोग सोच रहे हैं कि लंच वगैरह निपटा लें एंड इसके बाद फ्रेशन अप हो के फिर हम लोग निकलेंगे अपने टूर के लिए। तो ये है लंच एरिया यानी कि डाइनिंग एरिया। तो हम लोग अपना जो खाना लेके आए हैं सब कोई आए हैं गैदर किए हैं यहाँ पे डाइनिंग एरिया में। तो अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं एंड ये आशीष भैया सर्व कर रहे हैं एंड सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गया बिकॉज़ काफ़ी लंबा जर्नी था एंड मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा बहुत ही खाए थे, ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा बचा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स अभी शाम हो गया है, हालाँकि धूप तो ऐसा है कि लग रहा है दोपहर का 12 ही बजा है, बट एनीवेज दिस इज़ द समर इन US। तो हम लोग जा रहे हैं एक लोकेशन में, दिस इज़ द फर्स्ट लोकेशन वी हैव कम। यहाँ पे है म्यूज़ियम। तो ब्रोकन बोरा एक लेक है जिसके चारों तरफ मतलब बहुत सारा स्पॉट्स है जहाँ पे आप घूम सकते हो। तो हम लोग ये फर्स्ट स्पॉट में आए हैं, इसके अंदर आ गए म्यूज़ियम के अंदर। और मेरा जैसा कि हैबिट है मैं हर एक जगह से एक ना एक मेमेंटो ज़रूर कलेक्ट करती हूँ। तो मैं अपना मेमेंटो खोज रही हूँ क्या मैं ले सकती हूँ जो कि मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ विज़िट किया था। तो मैंने ले लिया है एक मेमेंटो और अभी थोड़ा सा बाकी लोग भी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। ये देखिए मेरा मेमेंटो पैक हो गया है एंड हो गया हम लोगों का छोटा मोटा शॉपिंग हो गया। और इसके साथ ही है म्यूज़ियम, मतलब उससे निकल के फिर हम लोग घूम रहे हैं अभी म्यूज़ियम। ये जो म्यूज़ियम है यहाँ पे देखिए मेरी फ्रेंड पोज दे रही है एंड काफ़ी देर होल्ड की बेचारी। तो यहाँ पे जो भी बना हुआ है जो भी आप देख सकते हैं ये है चेस बोर्ड सॉर्ट ऑफ
सब कुछ मतलब वुडन वुड से बना हुआ है, मतलब वुड क्राफ्टेड है। यहाँ पे जो क्राफ्ट्समैन है वो सब कुछ बनाए हैं वुड से। ये बेसिकली जो जंगल के जो वुड है वो लकड़ी से बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ कुछ हिस्ट्री भी डिपिक्ट किया हुआ है जो हम लोग पढ़ रहे थे। एंड वुड का स्कल्पचर सब कुछ इतना अच्छा लगा। ये देखिए, ये आप देख सकती है, पूरा वुडन है, पूरा वुड से ये स्कल्पचर किया गया। ये एक बियर है जिसको मैं थोड़ा सा प्यार भी कर दी। एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लॉयटर कर रहे थे, म्यूज़ियम चारों तरफ से देख रहे थे। और यहाँ पे एक जो अमेरिकन एक कारपेंटर है वो कुछ वुड का बना रहे हैं। और ये देखिए, ये है रोलिंग पिन। ये देखिए कितने साइजेस का वैरायटी का रोलिंग पिन है। एंड ये अंकल बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन भी कर रहे थे, हम लोग पूछ भी रहे थे, एंड ही वाज एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली कैसे वो बनाते हैं। और भी क्राफ्ट्स है, देखिए बोल्स है, की रिंग्स है, मतलब बहुत ही यूनिक क्राफ्ट वो कर रहे थे। एंड लिटरली वो मशीन में बना रहे थे। एंड माय फ्रेंड वाज आस्किंग एंड ही वाज एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली वेरी कामली। तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के कि वुड का भी इतना सुंदर सुंदर चीज़ हो सकती हैं। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखिए फॉरेस्ट में आग लगने से क्या क्या जाता है। तो ये एक वॉल पेंटिंग्स है, यहाँ पे वेरियस आर्टिस्ट वॉल पेंटिंग्स लगाए हैं। तो ये सब वुड का बना हुआ है, बहुत ही यूनिक सा लगा मुझे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, ये देखिए ये एक हैंडबैग है लेडीज़ का जो कि वुड से बना हुआ है। यहाँ पे प्लेट्स है, अंडे बने हुए हैं वुड से, फ्रूट्स बने हुए हैं, जो नेकलेस है वो बना हुआ है वुड से। मतलब ये स्कल्पचर ही अलग था। तो अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है एंड जा रहे हैं, थोड़ा सा चाय वगैरह पियेंगे, आ गए हैं होटल लाइक लॉज के अंदर। तो एक ही रूम में सब बैठ के हम लोग चिट चैट कर रहे हैं और अभी है चाय टाइम। तो इधर बच्चे मतलब ऐसे इंजॉय कर रहे हैं। और ये है दादी हमारी जो कि आंटी है, दीपा की मम्मी है, आई हुई है इंडिया से, तो वो भी आई है हमारे साथ एंड वो बच्चों के साथ लूडो इंजॉय कर रही है। और हम लोग इधर और भी लोकेशंस देख रहे हैं एंड मेरे हस्बैंड बना रहे हैं चाय सबके लिए। ये इंस्टेंट चाय है जो कि बहुत जल्दी बन जाता है, पैकेट में मिलता है। और तो जो भी लेफ्ट ओवर ब्रेकफास्ट और जो भी थोड़ा बहुत स्नैक्स हम लोग लाए थे वो हम लोग खा रहे हैं चाय के साथ। एंड अभी हम लोग निकले हैं, अभी थोड़ा सा मतलब धूप थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है। इट्स 6:30 और हम लोग दूसरे बीच में आए हैं। ये देखिए आप मतलब इसके अंदर तक जा सकते हैं। यहाँ पे एक लेक शो टाइप का बना हुआ है जहाँ पे थोड़ा बहुत स्विमिंग वगैरह लोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग और एक लोकेशन तुरंत फाइंड आउट किए हैं एंड उस लोकेशन में जा रहे हैं। ये ब्रोकन बो दूसरे साइड में है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक प्रॉपर बीच का फीलिंग आएगा। एंड ये देखिए हम लोग आ गए हैं पूरा अंदर तक, मतलब गाड़ी पार्क करके हम लोग अंदर तक आए हैं। ये तो मुझे पूरा बीच जैसा ही लग रहा है एंड अभी सनसेट भी होने वाला है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब हम लोग पानी में खड़े हैं, थोड़ा बहुत वो सी का फीलिंग भी आ रहा है, एक शांत सा, बहुत काम सा एक लाइक देखिए बहुत काम इवनिंग है। और सनसेट देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक था। हम लोग तो खूब सारे फ़ोटोज़ खिंचाए एंड ये देखिए रिपल्स, वाटर रिपल्स एकदम अच्छा लग रहा था। मतलब पानी में आप खड़े होंगे ना तो पूरा एकदम लगेगा कि आप सी के अंदर है। तो आ गए हम लोग रात में एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। तो अभी हम लोग का जो रात का खाना है वो हम लोग रूम में ही खाने वाले हैं। उसका मैं वीडियो नहीं कर पाई हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे गाइस। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है संडे और आज ये देखिए आप लोग देख सकते हैं जो कि लेफ्ट ओवर डिनर था वो हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट के जैसा खा के निकल जाएंगे। और अभी तो घर के तरफ ही जाना है बट रास्ते में एक थोड़ा सा बीच एरिया है, सैंडी बीच है, वो होते हुए जाएंगे। तो हम लोग ब्रेकफास्ट जैसा
ये ब्रेकफास्ट भी नहीं है और लंच भी नहीं है, ये है ब्रंच जैसा, जो कि लेफ्ट ओवर मतलब जो भी खाना बचा हुआ था वो हम लोग थोड़ा थोड़ा खा के फिर ख़त्म कर रहे हैं। एंड खाने के बाद फिर हम लोग सब ऑलरेडी रेडी हो गए हैं एंड अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो ऑलरेडी सब सामान हम लोग गाड़ी में डाल रहे हैं एंड फाइनली हम लोग निकल जाएंगे। तो अभी प्लानिंग हो रहा है कि जाते टाइम सैंडी बीच होके फिर जाएंगे एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा वहाँ पे घूम के फिर निकल जाएंगे। और कल मंडे है, मंडे अभी मंडे तो स्कूल नहीं है, ट्यूसडे से मेरे बेटे का स्कूल स्टार्ट है। तो चलिए फिर चलते हैं सैंडी बीच की तरफ। फ्रेंड्स बेसिकली ये पिकनिक एरिया जैसा ही मुझे लग रहा है एंड यहाँ पे देखिए बहुत मतलब पूरे पूल में ही आप स्विम कर सकते हो और उधर कैकिंग कर रहे लोग, ये देखिए बोटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड बहुत ही बड़ा है एरिया, मुझे दूर से लग रहा था मतलब कल जब गाड़ी से हम लोग आ रहे थे वापस तो लग रहा था छोटा सा एक एरिया है बट काफ़ी बड़ा था। एंड ये भी रास्ते में पड़ा मतलब लेक का ही दूसरी तरफ है। तो यहाँ पे भी देखिए सब बीच एरियाज़ है, लेक शोर बीचेस है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा खड़े हो गए एंड फोटो सेशन वगैरह कर लिए। और क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है गाइस, तो हम लोग सोच रहे हैं कि रात का डिनर भी हम लोग साथ में करें। और ये हम लोग इवनिंग में अभी निकले हैं रेड हॉट चिली पेपर के लिए, जो कि हम लोग का फेवरेट डेस्टिनेशन है एंड हम लोग सब मिलके अभी डिनर करने वाले हैं। तो सब बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं एंड अभी हम लोग खूब टेस्टी टेस्टी खाना भी ऑर्डर कर लिए हैं, स्टार्टर्स वगैरह आ गया है एंड फ्रेंड्स भी सारे एक साथ हो गए हैं हम लोग। तो अभी हम लोग डिनर एंजॉय कर रहे हैं। एंड आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगने से प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं आप सबसे इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड बाय बाय।